नहीं चाहिए। जो 11 बजे तक ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर, हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो, ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। ऐसे करने से तो अवाम नहीं मरेगी, ऐसे करें बिना एक बम फेंक दे बड़ा सा तो अवाम मर जाएगी और हमारे बीवी बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, जान छूट जाएगी इन लोगों की। आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजार जी। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है, यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है। तो मोदी के ऊपर इतना ट्रस्ट आवाम का हो गया है कि वहाँ पर बढ़ रही है रेमिटेंस, और दुनिया में सबसे ज्यादा इस टाइम सबसे ज्यादा इंडिया की रेमिटेंस हुई है। अच्छा, हम लोग अपने मुल्क के साथ इस चीज को लेकर लॉयल क्यों नहीं? हम अगर वहाँ कमाते भी हैं तो मुल्क में वापस नहीं भेजते, या फिर हम इलीगल तरीके से भेजते हैं, लीगल हम नहीं अपनाते। वो डे बाई डे इतनी उनकी तरक्की होती जा रही है, लेकिन हमारी पेमेंट आने के दूसरे तरीके हुंडी के जरिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू पैसे भेजते हैं अपने मुल्क के अंदर, अब ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो, हमारे डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं आते? और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हमारे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे खजाने में सिर्फ 4, कोई कहता है 6 बिलियन, अगर हम कहते हैं चलो 6 बिलियन डॉलर ही पड़े हैं, आप फर्क देख लें हमारे पूरे पाकिस्तान की कमाई और इंडिया के जो लोग हैं जो बाहर है उनकी कमाई दी। जय हिंद दोस्तों, कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भारत को आंखें दिखाने वाले और भारत में आतंकवादियों को भेजकर हमारे देश पर हमला करवाने वाले पाकिस्तान आज भारत के सामने आंख तक उठाने के काबिल नहीं बचा। दोस्तों, पाकिस्तान के बुरे हालात ने उसे ऐसे बर्बाद कर दिए हैं कि आज पाकिस्तानी आवाम खून के आंसू रो रहे हैं। आज पाकिस्तान के लोग भारत के और मोदी जी की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के मुसलमानों को तो यहाँ तक कहना है कि उनको मौका मिले तो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ जाएंगे, भले ही उनको इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म ही क्यों ना अपनाना पड़े। दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे एक साथ हुए थे, मगर आज भारत चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन वही पाकिस्तान आज कहां है आप सब देख ही रहे हैं। पाकिस्तान में जनता भूखे बेहाल है और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी है। पाकिस्तान में इतना बुरा हाल हो गया है कि वहां के मुसलमान आटा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। आम जनता के मन में ज्यादातर गुस्सा ही भरा हुआ है अपने सरकार के खिलाफ, और पाकिस्तानी आवाम ये कहते नजर आ रहे हैं कि महंगाई से मरने से अच्छा है कि सरकार उन पर भी एक बम फेंक दे ताकि एक साथ सब खत्म हो जाए। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी आवाम क्या कुछ बोल रही है अपने सरकार के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। साइड पे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में ट्रस्ट ये तबाही का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया पाकिस्तान। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझे। अच्छा। वो ये कह रहा हूँ कि जब किसी कौम के लीडर सिंसियर नहीं होते, जैसे इमरान खान साहब इस टाइम इक्तदार में नहीं है, लेकिन वो इक्तदार के लिए तमाम जायज नजायज हरबे, अमरीकी बयानियां, साइबर, वो जितने भी मामलात उसके फंडिंग केस, उनसे बचने के लिए नेगेटिव फायरिंग का वाकया, उसकी आज तक FIR के लिए वो रिपोर्ट भी नहीं दे सका। मैं बात ये कर था इंडिया का क्या है, रीजन बता रहा हूँ। वहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है जब आप मुल्क के साथ मुखलस होते हैं, जैसे वहाँ पे कांग्रेस अपोजिशन में है, वो कौमी इशू पे शरारती तमाशबीनी वाला काम नहीं करते, उसकी वजह से वहाँ के डिपॉजिट भी बढ़ रहे हैं, उनकी कोरोना के बाद भी जो तरक्की की शरारत इकॉनमी भी पांचवें वो ऊपर ही गई। यस, तो अगर यही कौम में हमारे में लीडरों में ये शर्म आ जाए तो वो ये यहाँ भी बेहतरी आ सकती है। अच्छा, देखने में ये आ रहा है, ठीक है, पैसे ओवरसीज काम भेज रहे हैं समझ आ रही है, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो अपना बिजनेस दूसरे कंट्रीज में लेकर जा रहे हैं, कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई यहाँ से कोई मतलब कहीं चाइना जाके बिजनेस कर रहा है, पाकिस्तान से बिजनेस जाता जा रहा है। मैंने अभी बात है पाकिस्तान में डे बाई डे कम क्यों होती जा रही है, क्या वजुहत है? बाहर जो रहते हैं फॉरन पाकिस्तानी, क्या उनका ट्रस्ट नहीं रहा पाकिस्तान के ऊपर, क्या वजुहत? ऐसी तो ज़्यादा इशू नहीं है, जो फैमिली बेस आप समझें, होम रेमिटेंसेस जो हैं वो तो जिनकी फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे हैं वो तो एज इज़ चल रही हैं, वो तो सिमिलर है, और जो बिजनेस से रिलेटेड हैं उसमें कह सकते हैं कि हो सकता है अनसर्टेनिटी जो है यहाँ पे, उसकी वजह से कोई जो अप डाउन जो चल रहा है उसकी वजह से हो सकता है वो कमी आई हो उसके अंदर, अदरवाइज होम रेमिटेंसेस जो है ना वो तो उनमें ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आता। अगर इशू नहीं है तो फिर कम क्यों हुआ लास्ट के टाइम से? वही बता रहा हूँ ना कि जो जो जिनकी फैमिलीज यहाँ पे रिजाइड कर रही हैं, जो फॉरेनर गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो गए हैं, तो वो अपनी फैमिलीज को जैसे एक्सपेंस के लिए जो आपको रेमिटेंस भिजवाते थे वो एज इज आ रही हैं, उसमें तो कमी नहीं हो सकती, बल्कि ज़्यादा ही इजाफा ही हुआ। आपको बात कर रहा हूँ, डे बाई डे हर साल बढ़ता है,
इस साल कम क्यों हुआ? क्या पाकिस्तानी डायरेक्ट इनकम नहीं भेजते या हुंडी के जरिए भेजते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं? हमारी सरकारी जो हमारे जितने भी अदारे हैं आप देख लें, उसमें मतलब कि करप्शन के अलावा कोई काम नहीं है। आप छोटे से छोटा काम भी आप अगर किसी को मतलब कोई काम करवाना चाह रहे हैं ना, वो सबसे पहले आपको वहाँ पर उनके साथ करप्शन में शामिल होना पड़ेगा, उसके बाद जाकर मतलब आपका काम होगा। तो ये हमारा जो पाकिस्तान है बहुत मुश्किल है। बताती चलूँ कि हमारे जो रिजर्व थे वो 32 थे, 32 बिलियन डॉलर्स के थे, अब वो 8 बिलियन डॉलर्स के रह गए हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 800 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व हैं इस टाइम। आप देखिए, बेशक उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने रिजर्व अपने इकट्ठे किए हैं। इवन अगर मैं बात करूँ स्टॉक एक्सचेंज की, सबसे ज़्यादा इस साल उनके स्टॉक एक्सचेंज की जो है रेटिंग ज़्यादा हुई है। हमारी हम देखें तो हमारी तो इम्पोर्ट ही नहीं ख़त्म होती, एक्सपोर्ट क्या करेंगे। उन्होंने तो मेक इन इंडिया पर इतना काम किया कि आज दुनिया उनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है और हम चाइना पर अभी भी अलाए हैं। बेसिक मेरी जो जाती जो राय ये है कि मतलब कि मैं वैसे अब अपनी जाती राय दे रहा हूँ, इमरान खान एक पाकिस्तान के लिए एक वाहिद उम्मीद है, ठीक है। उस बंदे की कोई प्रॉपर्टी ना बाहर है ना पाकिस्तान में, और जितनी है उसने कहा जब मैं मर जाऊँगा ना तो ये सारा मतलब शौकत खान के लिए मैं इसको कर दूँगा। अब इमरान खान मेरी जाती राय कि इमरान खान के अलावा बाकी जितनी भी सियासत है वो बिल्कुल फारिग है। आपने प्रॉपर्टी की बात किया ना, तो इमरान खान ने ये बात कही थी कि हमारे जो हुक्मरान हैं हमारे हुक्मरानों की बाहर जायदादें हैं, इवन कि उनकी काफ़ी ऑडियोज भी लीक हुई। फिर उन्होंने जो है हमेशा अपनी हर स्पीच के अंदर इंडिया का जिक्र किया, क्या लगता है क्यों? उन्होंने यहाँ तक कहा कि नरेंद्र मोदी की आज तक कोई बाहर जायदाद नहीं नजर आई। इवन यहाँ दोस्तों पाकिस्तान में महंगाई अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है और इस महंगाई ने पाकिस्तानी जनता का तेल निकाल दिया है। पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवाद पर कई करोड़ों रुपए खर्च करता है, भारत से भागे हुए मुजरिमों को सुरक्षा देने के लिए पानी की तरह करोड़ों रुपए बहाता है, और वहीं पे पाकिस्तान अपने नागरिकों के लिए कुछ नहीं करता है। पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो चुकी है कि पाकिस्तानी आवाम खून के आंसू रो रहे हैं। इसी के कारण से पाकिस्तान के जनता के अंदर अपनी सरकार के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, और यही सब पहले पाकिस्तानी हमारे भारत के बारे में हमेशा गलत ही बात करते थे क्योंकि पाकिस्तानी सरकार इनको जहन में हमारी गलत छवि बनाई हुई थी। लेकिन अब पाकिस्तानी जनता की आंखों से पट्टी हट चुकी है और पाकिस्तानी जनता साफ साफ देख सकती है कि कैसे इनको बेवकूफ बनाकर रखा गया था और गरीबी में धकेला गया था। पाकिस्तान खराब स्थिति का सामना कर रहा है तो वहीं पे भारत दुनिया के सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, और यही सब देखते हुए वहाँ से कई पाकिस्तानी आवाम अपने मूल को छोड़कर भागना चाहते हैं। वैसे आप सब क्या सोचते हैं इन सब के बारे में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय बताइएगा, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।